इंशाल्लाह किसी भी केज में लगाओगे आधे घंटे के अंदर अपने बॉक्स के अंदर होगा, ना हो तो जोड़ा रिटर्न। वारंटी दे रहे भाई, गारंटी दे रहे एक तरीके से। ये केज आपको मिलेगा 12,000 रुपये फाइनली, 12,000 रुपये का जी। आठ खाने का केज है, न्यू केज है, इसके अंदर अभी कहीं से कोई ट्रेकिंग कर रहा था। वाला केज है, हर किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े ब्रीडर है बताते नहीं है कोई जिनको मालूम है। जी, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। जो अंडे दे दिए होंगे उसने, अंडे दे दिए हमारे, जो प्लेयर बाहर से आए हुए उनके डीएनए है मेरे पास। अच्छा, डीएनए भी है? तो मैं डीएनए भी दे दूंगा जिस जिसके हैं। तो इस वजह से पेल फेलो का बच्चा है, ये मर गया। मजीद इसके बच्चे व्हाइट हैं, देखने वाला बोलेगा कि ये इसके बच्चे नहीं है। दोनों व्हाइट ही गाने हैं। इसके नीचे नजर आ रहे हैं जी, देख लिए अंडे, रेड आई टू ब्लैक आई का प्लेयर है ये। दो अंडे भी ताजे दिए हुए हैं आजकल में, दिए ये ताजे अंडे हैं दोनों। अच्छा, ये कौन से बच्चे निकालते हैं? ये भाई क्रीमिनो डेकिनो भी निकाल लेंगे। ये आपको दे देंगे 16,000 का, न्यू का रेट इसका स्टैम है 23,000। और ये न्यू के बर्ड्स अंडे दे देते हैं मगर बच्चे निकलने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होना वो देखो, एक तो नसीब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो माय नेम इज सनस, आप देख रहे हैं एएस बर्ड्स अवर। तो यार आ गए हैं आज हम सेटअप पे, अकील भाई का सेटअप है माशाल्लाह से, देख सकते हैं। तो ये पेयर्स देखें माशाल्लाह से, कितने अच्छी क्वालिटी के पेयर्स हैं ये। तो ये पूरा सेटअप फोर सेल है भाई, पूरा सेटअप फोर सेल है। तो उन्हीं से ही बात करते हैं, क्या सीन है भाई। तो ये बैठे हुए हमारे भाई, तो इन्हीं से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। तो आज हमारे व्यूअर्स को कौन कौन से पेयर दिखा रहे हैं भाई? आज मैं ऐसा है कि तमाम सेटअप अपना जो है क्लोज कर रहा हूँ, कुछ मकान का इशू है, मकान भेज दिया है, तो इस वजह से तमाम परिंदे हटाने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कौन कौन से पेयर हैं, जिस भाई को चाहिए होंगे इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। एक पेयर सबसे पहले ये ऊपर आ जाए, रेड आई कॉकटेल है ये। रेड आई कॉकटेल जी, इसने भी दो अंडे भी दिए मैं, तकरीबन बच्चे निकलने वाले हैं इसके। सही, ये केज के साथ ही जाएगा, केज के साथ ही जाएगा। केज भी है, मटकी भी है इसकी, वैसे अगर अलहदा भी किसी को चाहिए होगा तो दे देंगे। सही सही। अच्छा, डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं इसकी? डिमांड कर रहे हैं भाई 10,000 रुपये। ब्रीडर प्लेयर है माशाल्लाह, पहले भी बच्चे निकाल चुका है, अभी भी अंडे दिए हुए इसने। सही, और मजीद जिसके पास जाएगा उसका नसीब। अच्छा, केज का क्या सीन है? केज के भाई 3,000 रुपये का केज है ये, 3,000 डबल पोर्शन का केज है, इसके बीच की जाली भी है मेरे पास। सही, अगर दो पोर्शन करने हैं तो दो हो जाएंगे, वरना एक ही में कॉकटेल के लिए तो एक ही सही रहेगा। सही सही सही। और क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स? उसके अलावा भाई एक पीस ये है हमारे पास लेमन में, अभी कुछ पियरों को मैंने रोक दिया अंडे देने से। सही, क्योंकि सीजन ऑफ हो गया है, तो मैंने तमाम बॉक्स जो है घास वगैरह ख़त्म कर दिया। एक पियर ये लेमन का है, अभी किसी ने इसमें अंडे नहीं दिए हुए। सही, ये बस अंडों पर दोबारा आ जाएगी, अभी बॉक्स लगाया है। रेड रूट की मादा है लेमन कलर में। सही, और लव बर्ड का नर है इसके साथ, लव बर्ड का नर है। एक पेयर ये है, एक पेयर मेरे पास इसी तरह इसके बराबर में जो मेरा फोस्टर पेयर है, फोस्टर पेयर है, लोटिनो का है ये। अभी भी आप देख सकते हो उसके नीचे ब्लू बच्चा होगा, जरा सा आप कैमरा अंदर डालें, बच्चे किसी और के निकालता है ये, इस दफा एक ही बच्चा। कितने बच्चे निकालते हैं? 4 बच्चे निकालते हैं, ये फोस्टरिंग के काम आते हैं, फोस्टरिंग के काम आते हैं। इसके नीचे मैं रेड आई के बच्चे रखता हूँ। वाह भाई वाह। अच्छा, है लोटिनो का पेयर, बच्चा निकला हुआ ब्लू फिशरी का, ये रेड आई का बच्चा है, रेड आई का बच्चा जी। सही। अच्छा, इनकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इनकी डिमांड भाई 5,000 रुपये पेयर है ये। सही, ये मेरे घर के सेट पेयर है, मार्केट का माल नहीं है ये, और सारे ब्रीडर पेयर हैं। इसी तरह एक पेयर ये नीचे फिशर टू ऑलिव का। सही, ये भी 4-4, 5-5 बच्चे निकालते हैं, मगर मैं दूसरों के ही निकलवाता हूँ, इनके दूसरों के निकलवाते हैं। सही, इनके अपने अंडे उठा के भी ज़ाया किए मैंने जी जी। अभी मेरे पास रेड आई एल्बाइनो अंडे देना शुरू किया। सही, इंशाल्लाह अगले दिनों में वो अंडे रखूंगा इसके साथ। वाह भाई, बड़ा प्लेयर है। इसकी क्या डिमांड है? फुल साइज का प्लेयर है, साइज देख सकते हैं हम उनका, और इसकी मादा है और ये नर है। इसकी क्या डिमांड है? इसके भाई 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जी। अच्छा, गुंजाइश वगैरह और मजीद हो जाएगी? बॉक्स के मटकी वगैरह जिसके साथ जो बॉक्स है वो भी दूंगा। कुछ घर के बच्चे निकले हुए हैं, कुछ आज मैंने सेल कर दिए। अच्छा, ये ब्लैक आई स्प्लिट का पट्ठा है, जवान हो गया बिल्कुल, 12 महीने का पार ब्लू की है ये, और ये ब्लैक पे है, और ये फिशरी है। ये तमाम बच्चे जो है रेड आई से निकले हुए हैं, रेड आई से निकले। हाँ, इस तरह अभी आप एक पेयर और दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि रेड आई है, ये इनका नर इसमें रेड आई है। सही, मादा ब्लैक आई है, मादा ब्लैक आई है जी। अभी इसमें एक बच्चा निकला हुआ है, बाहर आ गया ब्लैक आई बच्चा, ये बच्चा आप देख सकते हो, ये ब्लैक आई बच्चा है। सही, और जो पहले आपको बच्चा दिखाया वो इसी का भाई है।
ये रेड आई टू ब्लैक आई का पेयर है, दोनों स्प्लिट इनो है, एक तो कंफर्म है और मादा जो है ब्लैक आई में, मगर स्प्लिट इनो देख सकते हैं रेड आई चमक रही है अभी भी। एक पेयर इसी तरह ही ऊपर है मेरे पास, रेड आई टू रेड आई, रेड आई टू रेड आई, दोनों रेड आई ही है, इन्होंने भी शायद अंडा दे दिया होगा, मादा इसकी लोड थी नहीं, तकरीबन ये कल देगी अंडा, कल देगी अंडा, फुल लोड मादा आई है, बॉक्स बस हटाने की तैयारी में हूँ मैं, इनसे लेने नहीं है मुझे अंडे, मगर फिशर के इंतजार में इससे अंडे ले रहा हूँ कि फिशर के नीचे रखूंगा। अच्छा, अच्छा इसी तरह इसके बराबर में एक पेयर है लोटियों का, ये भी मेरा फोस्टर पेयर है, फोस्टर पेयर है, हाँ ये भी अंडे देता है, तो मैं इसके नीचे दूसरों के अंडे रख देता हूँ। इसने अभी ब्रीड वगैरह करी हुई है? ब्रीड सब करते हैं ये, मगर इस वक्त जो है सीजन ऑफ चल रहा है तो मैं इनसे ले लिया, अभी बस इनको ऐसे खिलाने पिलाने में छोड़ दो। इनकी एज वगैरह क्या होगी? ये तकरीबन है 15-15, 16-16 महीने के, एक एक ब्रीड ले चुका हूँ मैं इनसे, ब्रीड ले चुके हैं। हाँ इसी तरह इसके नीचे आ जाएं आप, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं पहले बता, ये 5,000-5,000 रुपए के पेयर है, और अल्बाइनो ये विद बॉक्स के दूंगा साथ में आपको, और अल्बाइनो का जो आपको ब्लैक आई रेड आई पेयर दिखाया बच्चे के साथ, बच्चे के साथ ये मैं आपको दे दूंगा 27,000 रुपए का, 27,000 रुपए का जी, वाह भाई वाह, बच्चे के साथ दूंगा, बॉक्स भी दूंगा, और नेक्स्ट का अंडों पे भी आ रही है ये, कंफर्म ब्रीडर भी आ रहे हैं, कंफर्म बच्चा निकला हुआ है सामने आपके। इसी तरह एक पेयर मेरे पास ये लगा हुआ है रेड आई अल्बाइनो टू पार ब्लू, ये भी देख सकते हो, इंशाल्लाह अंडे दे दिए होंगे इसने, अंडे दे दिए माशाल्लाह, दो अंडे दे दिए इसने, ये इसका नर है मिस्टी पार ब्लू, चाहो तो अंदर से बना लो आप, सही सही माशाल्लाह से क्वालिटी भी अच्छी है, साइज वगैरह तमाम बर्ड्स के साइज देख सकते हो आप, ये बड़े शौक से बनाया हुआ सेटअप है, ये मादा है इसकी रेड आई की, और साइज भी देख लिया सही। इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये भाई 28,000 रुपए का पेयर है, 28,000 रुपए का पेयर है, ये लिए हुए तो बहुत महंगे हैं, 35-35,000 रुपए के लिए हुए, हाँ जब तो रेट बढ़े हुए थे, अभी तो मार्केट रेट का कुछ रेशियो नीचे आ गया है। इसी तरह एक पेयर और है इसके अंदर, ये भी लोटिनो का मेरा फोस्टर पेयर है, ये 5-6 पेयर अपने लिए फोस्टर रखे हुए थे, तमाम अंडे बच्चे इन्हीं से निकलवाता हूँ मैं रेड आई के, ये भी आप देख सकते हो साफ सुथरा पेयर है, साइज का पेयर है सही। और एक पेयर इसी तरह इसके बराबर में है, ये भी आप देख सकते हो लोटिनो का पेयर है, ये भी अंडों पर है मादा इसकी, सही फुल लोड है मादा इसकी, इन्होंने भी एक दो ब्रीड करी, ये तमाम मेरे पास ब्रीड करते हैं, मगर मैं इनसे रेड आई के बच्चे निकलवाता हूं, रेड आई के बच्चे इनके अपने बच्चे कम निकलवाता हूं, क्योंकि उसकी वजह ये कि 1,000 रुपए का बच्चा है, रेड आई का बच्चा 6-7,000 रुपए का। इसी तरह एक पेयर और है मेरे पास, ये भी मेरा फोस्टर पेयर है और बहुत अच्छा पेयर है ब्लू में, ये आ गया बाहर, अच्छा ये भी फोस्टर पेयर है जी, ये तमाम जो निकालता है ये ब्लू ही निकालता है, ये ब्लू बच्चे भी निकालता है और ब्लू फिशरी वगैरह भी निकालता है, अच्छा लेकिन तकरीबन मैं इससे दूसरों के बच्चे निकलवाता हूँ, दूसरों के बच्चे निकलवाते हैं, अच्छा इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? ये भी 4,500 रुपए का दे दूंगा, है तो 5,000 रुपए का मगर आपके व्यूअर्स के लिए, और साइज भी आप देख सकते हो इनका, जरा यहाँ से उड़ाएं आप, अब इनका साइज देखें, अच्छा फोस्टर पेयर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे फोस्टर पेयर मिलते ही नहीं है तकरीबन, क्योंकि जो लोग बेचते हैं वो या तो रिटायर होते हैं या कोई फॉल्ट होता है, सही तो इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेटअप दे रहा हूँ अपना, जी जी ये मेरे घर के सेट पेयर हैं, सेट पेयर हैं पूरे, हाँ इसमें कोई दो नंबरी वाला काम नहीं है। इसी तरह इसके बराबर में एक पेयर है, ये देख सकते हो, और ये पेयर देखने में तो बहुत हल्का है, कोई भी इसको एक्सपर्ट देखेगा तो बोलेगा यार अजीब सा पेयर है, मगर इसकी आप क्वालिटी देखेंगे और इसके बच्चे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ने बच्चे कौन से निकाले हैं? ये अभी इस वक्त इसने एक बच्चा निकाला था पेल फेलो जो आज की डेट में एक्सपायर हो गया, ये देखिए एक्सपायर हो गया, ये बच्चा पेल फेलो था, ये दोपहर में अचानक से बाहर आ गया और दूसरी जाली पे चिपक गया, उस तोते ने इसको खा लिया, तो इस वजह से ये पेल फेलो का बच्चा है, ये मर गया। मजीद इसके नीचे भी दो बच्चे हैं इसके अपने, इसके अपने बच्चे, मगर दोनों बच्चे वाइट हैं, देखने वाला बोलेगा कि ये इसके बच्चे नहीं है, दोनों व्हाइट निकाले, एक रेड आई एक ब्लैक आई और एक पेल फेलो, वाह भाई वाह, लाहौर से मंगाया हुआ पार ब्लू है, पेल फेलो का स्प्लिट है ये, क्या डिमांड मिल रहा है, क्या कर रहे हैं ये भाई? 25,000 रुपए का पेयर है, 25,000 रुपए का पेयर जी भाई, वाह। इसी तरह एक पेयर ये है रेड आई टू ब्लैक आई, इसने भी अंडे दिए, मैं बच्चा निकलने वाला ही होगा मेरे ख्याल आज या कल, दो अंडे इसके नीचे नजर आ रहे हैं जी, देख लिए अंडे, देख लिए
रेड आई टू ब्लैक आई का पियर है ये, इसने भी अंडे दे दिए। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये मैं आपको दूंगा 22,000। अच्छा, जो आप फॉस्टर पियर बता रहे हैं जी, ब्लू और लोटिनो में से कौन सा बेस्ट होता है फॉस्टर पियर? लोटिनो बहुत अच्छी भराई करता है, तकरीबन अच्छे बच्चे पालने वाले पियर होते हैं, अच्छे बच्चे पालने वाले बहुत अच्छे लोटिनो। और ये मेरे पास तो छाट कर लगाए हुए हैं, ये तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि कहीं पर भी इनको आप लगाए। अच्छा, जितने भी लोटिनो है आपके पास पियर एक ही रेट है? एक ही रेट है, क्योंकि एक जैसे हैं और सबके एक ही रेट है। सही सही सही। और विद बॉक्स के बॉक्स भी दूंगा साथ में, अगर किसी भाई को चाहिए तो ये केज भी सेल करूंगा मैं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें, इतने हाई थोड़े मार्केट से हाई रेट्स हैं, ये क्या वजह है? मार्केट से तो हाई होंगे ना भाई, लोकल माल नहीं है, इस पे मेहनत हुई हुई है, तैयार हुए हैं ये सेट हैं बिल्कुल अंडे बच्चों करते हुए। अब मार्केट का माल तो आपको पता नहीं है, नर नर दे देगा, मादी मादी दे देगा, तो उन सब चीजों से डाउट फुली खत्म, आपकी कोई डाउट नहीं होगा। आपको जो न्यू फैंसियर है उसके लिए बेस्ट, उसके लिए बेस्ट है, ले जाए लगाए और मजे ले, इन्हीं का बॉक्स लगा ले, 10 मिनट में आपके घर में जाके अपने अपने बॉक्स में जाना शुरू हो जाएंगे, अपने अपने बॉक्स में जाएं। ये गारंटी है, एक पेयर ये गारंटी है मेरी, कोई पेयर अगर कुछ गलत हरकत करे तो रिटर्न दे ले। सही, वाह। इसका बताएंगे क्या सीन है सर? ये पार ब्लू की फीमेल है, इसकी रेड आई अल्बाइनो का नर है। सही, ये पेयर भी आपको दे दूंगा मैं 25,000 रुपए में। 25,000 रुपए में फुल ब्रीडर पेयर है। सही। अभी इसने लास्ट में 3 बच्चे निकाले थे। कौन से बच्चे निकाले थे? पार ब्लू और रेड आई निकाले। पार ब्लू और रेड आई, खुद भी पार ब्लू रेड आई है ये, इसकी बॉक्स है। दोबारा नेस्टिंग शुरू कर दी है इसने, 2 से 4 दिन में या 10 दिन में दोबारा अंडे रख देगी। 10 दिन में दोबारा अंडे देगी। इसी तरह एक पेयर और है इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर चला गया है, रेड आई टू ब्लैक आई का। इस तरफ आ जाए, अपने अगर हाथ लगाते हैं तो निकल जाएगा। आ गया रेड आई, ये पेयर आ गया रेड आई। रेड आई का मेल है, ब्लैक आई की फीमेल है। सही। साइज भी देख लें आप, इसका साफ सुथरा पेयर है ये। इन्होंने कितने टाइम ब्रीड करी हुई? तकरीबन दो बार क्योंकि अभी लगाया था मैंने 7-8 महीने पहले। अच्छा, अभी फर्स्ट ब्रीड ली, फिर सेकंड ली, और उसके बाद अभी ये मैं बेचने के इरादे में आ गया। सही। और एक पेयर मेरा ये है, इसने भी तकरीबन अंडे दे दिए होंगे, लोटिनो फिशरी का मेल है, रेड आई अल्बाइनो की फीमेल है। ये बॉक्स उतारना पड़ेगा क्योंकि हाथ नहीं जाएगा, तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें भी नेस्टिंग हुई भी। इसमें माशाल्लाह 2 अंडे भी हुए भाई। अंडे भी हुए माशाल्लाह से, वाह भाई। मैंने भी अंदाजे से देखा है, 2 अंडे भी ताजे दिए हुए हैं आजकल में, दिए ये ताजे अंडे हैं दोनों। अच्छा, ये कौन से बच्चे निकालते हैं? ये भाई क्रीमिनो डेकिनो भी निकालता है। डेकिनो भी निकाल देता है, वाह भाई। जो आप वो देख रहे हैं लोटिनो फिशरी, जी, वो स्प्लिट इनो है, लोकल नहीं है वो। अच्छा। रेड आई मादा है उसकी, जी जी। वो इस तरह ये बच्चे डेक इनो भी निकालता है और पेस्टल इनो भी निकाले। सही। और इसी तरह ये नीचे आ जाए थोड़ा सा, एक पेयर और है, ये पेस्टल इनो की फीमेल है माशाल्लाह, इसने भी 2 अंडे लिख कर दिए। हाँ, 2 अंडे दिए, 2 अंडे दिए हुए, बच्चे भी होंगे इसमें। और ये रेड आई के साथ लगी हुई है, रेड आई का मेल है, पेस्टल इनो की फीमेल है। वाह बेटा, तो इसकी क्या? ये भी बिल्कुल यंग पेयर है, ये तकरीबन दूसरी बार इसने ब्रीड करी दी है, पिछली बार में 3 बच्चे निकाले थे। 3 बच्चे निकाले थे जी। अच्छा, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड कर रहे हैं भाई, वैसे तो 35-40 हज़ार रुपये का, मगर 30,000 रुपये दे। 30,000 रुपये, वाह बेटा। इसी तरह ये लोटिनो अपना ब्लू फिशरी है, ये भी रेड आई बच्चे निकालता है। अच्छा, और माशाल्लाह 6-6 बच्चे निकालता है, इतना अच्छा पियर नहीं करो यार जी। 6-6 बच्चे, 6 बच्चे निकालता है, अभी लास्ट टाइम 6 बच्चे इसके मैंने बेचे, दोनों स्प्लिट इनो है। ये रेड बच्चा भी निकालता है, रेड आई और ब्लैक आई वाइट भी बच्चा निकालता है। अभी मैं आपको इसका एक बच्चा दिखाऊंगा जो कि मैंने पार ब्लू से लगाया। अच्छा, वो यंग हो गया, उसने भी अंडे बच्चे करवाए हैं। ये रहा वो पियर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी ब्लू का बेटा है। ये इसी का, ये ब्लू का वाइट वाला, ये दोनों इसी के बच्चे हैं। ये वाह भाई वाह, इसी के बच्चे हैं, मैंने इनका पेयर बनाया है। सही। फर्स्ट टाइम इन्होंने दो बच्चे दिए हैं और अब दोबारा नेस्टिंग कर ली है, लोड भी है हमारा, लोड भी है, दिख रही है वो माना। अभी अंडे देने वाली है इंशाल्लाह, 2-4 दिन में, 6 दिन में। अच्छा, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये मैं आपको दे दूंगा भाई 20,000 रुपये में। ये कौन कौन से बच्चे निकालेगा? ये रेड आई भी निकालेगा, ब्लैक आई भी निकालेगा, पार ब्लू भी निकालेगा और बहुत सारे कलरों में निकालेगा। वाह भाई, क्योंकि ब्लू फिशरी से निकला हुआ है जी, ये तमाम बच्चे और तमाम परिंदे निकालेगा। सही। वो पियर आपको मैंने दिखा दिया था जी। इसी तरह मेरे पास फॉस्टिंग का एक और पियर है, फिशर का। फिशर का
अंडा दिया तकरीबन, ये भी आजकल में अंडा दे देगी, फुल लोड मारा है। और ये भी बहुत अच्छा पियर है, चार बच्चे से कम नहीं निकालता है। अच्छा, अपने भी निकालता है तो चार निकालता है। कभी अगर ऐसा होता अंडे नहीं है किसी के तो मैं उसके बच्चे निकलवा लेता हूँ। सही तो चार बच्चे से कम ये निकालती नहीं मारा। वाह भाई, डिमांड कर रहे हैं ये भी 3000 रुपये में। 3000 रुपये में लेंगे जी भाई, विद बॉक्स के। विद बॉक्स के जी। अच्छा, बॉक्स ही लें तो कितने का पड़ेगा? इन्हीं के बॉक्स जब आप ले जाएंगे ना, इनको कहीं पर भी लगाएंगे तो ये होगा कि इनका बॉक्स होगा, इनकी पहचान होगी, ये दोबारा सेट होने में टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा अपने बॉक्स में जाएंगे इंशाल्लाह। जो भाई भी ले जाएगा, ये मेरा दावा है कि आधे घंटे के अंदर अपने बॉक्स के अंदर होंगे, किसी भी केज में लगा लें। वाह भाई वाह, वाह भाई। और ये दो केज हैं इसके साथ। अच्छा, दो केज भी हैं, फोल्डिंग केज है, ये पूरा खुल जाता है एक एक चीज इसकी। सही, आठ खाने का ये एक केज है, आठ खाने का ये एक केज है। सही, और तमाम बॉक्स वगैरह अगर किसी भाई को सेटअप पूरा चाहिए तो इस तरह ये पूरा दे दूंगा। सही, एक केज ये है, ये फोल्डिंग नहीं है, फोल्डिंग ये आठ खाने का। सही। अच्छा, केजेस वगैरह की बात करें तो क्या डिमांड वगैरह की देंगे भाई आपको? ये 16000 रुपये का, इस टाइम मार्केट का रेट इसका 23000 रुपये। 23000 रुपये फोल्डिंग केज है ये, ये आपको दे देंगे 16000 का। न्यू का रेट इसका इस टाइम है 23000 रुपये। और ये न्यू केज है, अभी 6 महीने भी यूज हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। और ये केज आपको मिलेगा 12000 रुपये फाइनली। 12000 रुपये का जी, आठ खाने का केज है, न्यू केज है, इसके अंदर अभी कहीं से कोई ट्रे गली भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है, सिर्फ सफाई करने की जरूरत है। सफाई करने की जरूरत है सिर्फ, हमारे पास तो टाइम ना होने की वजह से अभी ये सेटअप भी क्लोज कर रहे हैं। और उसके अलावा भी कुछ केजेज हैं, एक ये डबल खाने का केज है, ये भी सेल करना है। सही, ये बजरी के इस्तेमाल के लिए एक केज है, इसमें दो खाने, एक ये है और एक ये है। ये क्या डिमांड? ये भी केज सेल करेंगे, ये 2500 रुपये का। 2500 रुपये, हालांकि 2500 रुपये में आजकल छोटा सा पिंजरा भी नहीं मिलता। जी जी, इसी तरह ये पिंजरा, वो तो मैंने आपको बता दिया। जी जी। अच्छा, दो केज ये है मेरे पास। अच्छा, दो केज साइज के। सही, ये मैं आपको दे दूंगा 2500-2500 रुपए के, यानी 5000 रुपए के दो पीस। 5000 रुपए के एक हो गया, हो गया। सही, एक की चार खाने का बजरी का केज है, एक दो तीन चार, ये चार खाने, इसमें आप चार बजरी के पेड़ आराम से लगा, आराम से लगा सकते, चार मिट्टियाँ लगा सकते, क्योंकि इसमें लगे हुए थे मैंने बेचे, सेल आउट करे। हाँ, और उसके अलावा दो पीस बजरी के पेयर है मेरे पास, दो पेयर हेलो रेड आई का पेयर है। सही, चार चार बच्चे निकालता हुआ, उसकी मटकी टूट गई है, वो पड़ी हुई, तो इंशाल्लाह दोबारा मटकी लगा दूंगा। दोबारा डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं? इनकी डिमांड है भाई फाइनल 750 रुपये के हिसाब से। 750 के हिसाब से बस बेचने वाले रेट हैं ये, कुछ ज़्यादा मांगने वाले नहीं। दोनों रेड आई हैं, ये वो ब्लैक आई हैं, साइज आप देख सकते हो करीब करके देख लें, फुल जम्बो साइज में है ये। सही सही, साइज वगैरह तो माशाल्लाह से अच्छा है, हर परिंदे का साइज ओके होगा। और कुछ ये परिंदे हैं जो अलग हैं, जिनके साथ नहीं है कोई, तो उनकी वीडियो बनाना बेकार है। सही सही। अच्छा ये बताएं हमारे व्यूवर्स को, जैसे गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मी में ब्रीड लें अपने बर्ड से, नहीं लें? अगर जगह अच्छी है, माहौल अच्छी है, किसी के पास दरख्त के नीचे जगह है या कोई ठंडा कमरा है तो वो तो ले सकता है, कुछ भी नहीं होता। लोगों की बातें हैं कि हटा दें बॉक्स, वो तो इसलिए लगाते हैं, हटाते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। सही, और वैसे ये परिंदा है खुद समझदार है, खुद रेस्ट ले लेता है, रेस्ट ले लेता। ये बड़े बड़े लोगों की बातें हैं कि भाई बॉक्स हटा दो, ये कर दो। अब देखो आप इतने सारे दिखाए मैंने आपको, दो तीन हैं जिनका मूड है उन्होंने अंडे दे दिए, और कुछ पियर ऐसे हैं जो नहीं खा रहे अभी जो, और जैसे सीजन शुरू होगा अगस्त के करीब करीब, ये दोबारा ब्रीडिंग का आएंगे, दोबारा ब्रीड का। तो ये जो उतारना ना उतारना आपके हाथ में, ना उतारो तो भी है कि चार की जगह दो बच्चे तो निकाल देते हैं, चार की जगह। जैसे कि ये दो तमाम मादियाँ दोबारा आपने देखी हैं अंडों पर आएंगी, कुछ अंडे नहीं। ज़्यादातर ये होता है अंडे जिसको दे देते हैं बर्ड्स, अंडे दे देते हैं मगर बच्चे निकलने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होना वो देखो, एक तो नसीब और दूसरा आपकी हिफाजत। सही, अब एक्सपायर होने का ये है कि जब आपका बच्चा निकलता है आप खिलाते क्या हो? जी, सूखा दाना खिलाते हो तो बच्चे के अंदर जाता है, हजम नहीं कर पाता, परिंदा तो बेचारा बेजबान है, भरा देगा। सही, लेकिन उस टाइम हमारे को थोड़ी सी एहतियात करनी है, इनकी गंदम भिगो के दें, इनको पालक ला कर दें, थोड़ी सी मेथी डाल दें, भाई ये चीज़ें इनको खिलाते हैं। गंदम चना भी डाल सकते हैं, भिगो कर, भिगो कर, ये जितना लोग जैसे भिगो के रख दिया सुबह डाल दिया। मार्केट से लोकल दाना ले लेते हैं, वो लोकल दाना जो है बिल्कुल बेकार होता है, दाना होना चाहिए इसका माल। ये आप देख सकते हो इसके अंदर जई मिलेगी आपको, खुरदुम मिलेगी, और ये काले बीज मिलेंगे और भंगे बीज मिलेंगे। भंगे बीज से बच्चा अच्छा सर्वाइव करता है और बेहतरीन रहता है। सही,
थोड़ा सा आज के अभी गर्मी के मौसम में रेड चावल जरूरी है जो इनको ठंडा रखते हैं। रेड चावल खा ले तो ज्यादा दाने में होता है, रेड चावल नहीं मुर्गियों के लिए डालते हैं वो, मगर इनको डालना चाहिए सही, क्योंकि ये जरा ये की चावल होता है ठंडा, उससे जरा इनके जिगर मैदे वगैरह सही रहते हैं। और हफ्ते में दो तीन टाइम, हफ्ते में दो बार आप भुट्टा तो रेगुलर देना चाहो रेगुलर देते रहो, रेगुलर भी दे। हाँ बच्चों वालों को तो रेगुलर दो, जिस तरह ये भुट्टे रखे हुए ये देख लो आप छिलके, ये रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होते हैं, सबके अंदर आपको भुट्टे नजर आ रहे होंगे पड़े हुए इस टाइम, ये अभी शाम में दिए मैंने इनको, और सुबह के टाइम में भीगा हुआ गंदुम दे दें आप जिन जिनके बच्चे निकले हुए हैं, और जिनके नहीं निकले हुए उनको आप ना दो तो कोई मसला नहीं। बस ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा पालक एक दफ़ा मेथी ये जरूर दो, इससे विटामिन पूरे हो जाते हैं। और अगर एक अच्छी टिप लेनी है तो अंडे के छिलके ले लो आप किसी बर्गर वाले से, उनको वॉश करके धूप में सुखा दो, सूखने के बाद नीचे ले आओ, दो तीन दिन बाद उसका चूरा करके पाउडर जो आप गंदुम भीगा हुआ देते हो उस पर छिड़क के दे दो, वो इनके पेट में चले जाए किसी भी तरह सही, उससे ये कैल्शियम के कमी के मरीज नहीं होंगे। जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे, कैल्शियम कमी होगी परिंदा कभी भी आउट नहीं होगा, सारा दारो मदार इनकी कैल्शियम पे, कैल्शियम पे आप कुछ भी खिला लो कैल्शियम अगर कम है तो फिर ये छोटे अंडे देना शुरू कर देंगे, बच्चा मारना शुरू कर देंगे। ये इस तरह की ये ब्रीडिंग करते हैं जो पर निकालते हैं वो क्या मसला होता है? वो तो झाड़ा का मौसम है, तमाम परिंदे करते हैं, बाकी कुछ परिंदों को बच्चों को उसके ऊपर आप ये करो कि वो गंडेरी कत्था आता पान खाने का, गंडेरी कत्था कत्था मिलता है अक्सर पान की दुकान पे जो कच्चे पान चाहे पान चाहिए वाले, उससे आप एक गंडेरी कत्था ले लो घर में रखो, किसी कटोरी के अंदर भिगो के गाढ़ा गाढ़ा करके एक दफा बच्चे पे लेप लगा दो, अच्छा वो खाता है नर, नर या मादा कोई भी उसके ऊपर आप उसका लेप लगा दो, उसके बाद छोड़ दो, दो से चार दफा मुंह मारेगा उसके ऊपर कड़वा लगेगा तो दोबारा ये हरकत छोड़ देगा। सही सही, ये बहुत अच्छी बात बताई। लोग समझते तेल लगाओ ये करो, तेल से ही होता है कि परिंदे के पर खराब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जितनी डस्ट होती है वो भी चिपक जाती है, मटकी के अंदर का कचरा वो भी चिपक जाता है, तो तेल जो है वो बिल्कुल खराब आइटम है मेरी नज़र में। सबसे अच्छा कत्था जो कि आप जैसे जैसे परिंदा बड़ा होता है वो सूख के झड़ जाता है, और दो से तीन बार परिंदा मुंह मारता है कड़वा लगता है क्योंकि खाने की चीज़ नहीं तोते की, तो वो छोड़ देता है उसे। सही सही सही, इस तरह हुआ मेरे साथ भी, ये बच्चे भी मेरे पास गंजे निकल गए थे दो, अच्छा। मगर ये कि वो नर करता था माशाल्लाह साइड हो गया, साइड हो गया। अक्सर लोग इस चक्कर में तोता बेच देते हैं जोड़ा खराब कर देते हैं, तो ये करना ही कर रहा था इस वजह से, जो कत्थे वाला कैसे ही हर किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े ब्रीडर हैं बताते नहीं है कोई जिनको मालूम है। जी जी, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। लोग अक्सर वो करते हैं रिकमेंड कि आप तारे मीरे का तेल लगा दें, ये लगा दें, वो जलता है तारा मीरा, आप भी लगाओगे ना तो जलन महसूस होगी, तो बच्चा कहाँ से बर्दाश्त करेगा। फिर बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, देख सकते हो दोबारा ब्रीड पर आ रहे हैं ये, ये अभी आपके सामने जोड़ खाएगा, ये 5 मिनट रुक जाओ ये भी चला जाएगा माजी में, ये देखो फुल मस्त नर है ये। अच्छा जितने अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। खाना सबसे बड़ी चीज है, गंदुम और भुट्टा, जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी, और ये अंडे के छिलके की जो आपको मैंने टिप दिए सबसे बेस्ट है, 10,000 रुपए के मार्केट से ले लोगे ना वो भी बेकार है, अंडे के छिलके का पाउडर बना के रखो वो डाल दो, कैटल फिश मिलती है मछली बाजार से वो ले आओ, थोड़ी थोड़ी डाल दिया करो हफ्ते में दो दफा। और कोई कैल्शियम वगैरह यूज करवाते हैं वो तो लोकल कैल्शियम जो लगे हुए हैं, जिस तरह ये सफेद कैल्शियम क्या है आजकल चूना बिक रहा है भाई, लोकल ही है बराए नाम है। जी जी, भले कितनी अच्छी पैकिंग हो वो चूना और पता नहीं क्या क्या मिला के देते हैं, सबसे अच्छा कैल्शियम अंडे का छिलका, अंडे का छिलका उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं, वो आपकी नज़र के सामने देखा हुआ कैल्शियम कुदरती चीज़ है। तो हम तो अपने तमाम परिंदों को ये देते हैं, ऊपर कबूतर रखे हैं हमने, उनको भी हम हफ्ते में एक दफ़ा ये चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं। अच्छा, अंडे का छिलका कबूतरों को भी ये यूज़, कबूतरों में भी मसला आ जाता है, परिंदा है ना वो पर झाड़ने लगता है उल्टे सीधे पर गिरा देता है, तो उसको हम ये चीज़ें देते हैं तो कैल्शियम पूरी होती है, कबूतर अपना काम करता है और तोते भी अपना काम करते हैं। अब बच्चे आप देख सकते हो किस तरह हेल्दी बच्चा निकला हुआ, कुछ बच्चे ये पड़े हुए कैसे साफ सुथरे हेल्दी बच्चे, कोई मानेगा नहीं ये बच्चे 3 महीने के, 3 महीने के बच्चे, आप जैसे चाय बोल के भेज दो बड़े बोल के भेज दो इनको, ये बड़े बोल के भी बिक जाएंगे। अच्छा, गुंजाइश वगैरह हो जाएगी हमारे व्यूअर्स के लिए, कर लेंगे जो भाई आना चाहेगा जिस क्वान्टिटी में लेना चाहेगा, किसी को 4 चाहिए किसी को 2 चाहिए उसके हिसाब से लगा लेंगे अल्लाह मालिक, क्योंकि हमें तो सेटअप खत्म करना है, सेटअप खत्म करना है बस, जिस भाई को पिंजरे वगैरह केज कुछ भी चाहिए सब मिलेगा, और जो भाई जोड़ा लेगा बॉक्स उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। वाह भाई, एक जोड़े के साथ एक बॉक्स उसके देंगे आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो, नया बॉक्स लगाने में ये होता है
कि नया बॉक्स लगा दिया, वो डर रहे हैं जा नहीं रहे, इन्हीं का बॉक्स होगा, पाँच मिनट के अंदर चले जाएगा किसी भी घर। कोई सा भी प्लेयर हो उसके साथ बॉक्स भी बॉक्स दे दिया, लोडिनो या फिशर हो, कोई भी हो, जो जिसका बॉक्स है वो बॉक्स आप ले जाएं, इंशाल्लाह किसी भी केज में लगाओगे आधे घंटे के अंदर अपने बॉक्स के अंदर होगा। वाह वाह, ना हो तो जोड़ा रिटर्न, वारंटी दे रहे भाई, गारंटी दे रहे एक तरीके से। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो। कॉन्टैक्ट भाई 03442040234, लोकेशन मूसा कॉलोनी मछली बाजार से अगली गली सिटी कॉलोनी, यहाँ पर आके भाई आप विजिट भी कर सकते हैं माशाल्लाह से। हेल्थ थोड़े से प्राइस ज़्यादा है मगर ये बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, साइज़ वगैरह भी ओके है इनका। और तो ज़्यादा होंगे ना प्राइस, जो मार्केट वाले नहीं है ना कि यहाँ से लिया वहाँ भेज दिया वहाँ से लिया, इसके ऊपर एक मेहनत हो चुकी है, इनकी मेडिसिन हो चुकी है, तमाम मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं, ये तमाम इनको देते रहते हैं, ये हम ये सिलेनियम और मजीद ये मेगा ये चीज़ें इनको यूज़ करवाते रहते हैं, हाई ड्रॉप हर चीज़ देते हैं इनको, अब इनके ऊपर मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ले जाओ लगाओ और ब्रीड लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग कमेंट्स करते हैं ना यार इतने ज़्यादा रेट में दे रहे हैं, फ़ायदा क्या है इससे, तो अच्छा मार्केट में से ले। फ़ायदा यही है ना कि अगर आप मार्केट से एक चीज़ लेते हो और दो महीने इस्तेमाल करते हो, बाद में वो नर नर निकल जाते हैं, मादी मादी निकल जाते हैं, आपकी दो महीने की मेहनत भी गई, फिर वो जब बेचने जाते हो मजीद कम रेट में बेचते हैं। अच्छा ज़्यादातर ये होता है दो दो तीन तीन साल भी निकल जाते हैं नर मादा में। हाँ लोग डाल के रखते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, दो साल अक्सर लोग डीएनए के चक्कर में होते हैं। जी जी, आपकी दुआ से इतना तजर्बा है कि डीएनए की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी कुछ जो प्लेयर बाहर से आए हुए हैं उनके डीएनए है मेरे पास। अच्छा डीएनए भी, मैं डीएनए भी दे दूंगा जी जिसके हैं। सही, वाह भाई डीएनए रखे हुए वो देखूंगा, अगर तो ये पूरे चालू पेयर हैं, इनके डीएनए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छी नज़र आ रही है कि हाँ लगे हुए पेयर। सही सही, डीएनए तो हम जब कराएं कि हम पट्टे ले रहे हों या कहीं से नया माल ले रहे हैं। ठीक है भाई, सही सही, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया आपने। जी भाई 03442040234। भाई ये थी आज की कवरेज, तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।